हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आते हैं जिस स्कीम का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम। इसमें क्या था, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई एनजीओ हो। 2018 के पहले अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप फंड देना चाहते थे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता था कि आप कैश में पेमेंट करते थे या कैश में फंड्स देते थे उनको। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का ये प्रॉमिस था कि इस स्कीम के आने के बाद जो फंडिंग का प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होके आएगा। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इस स्कीम के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी बहुत दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस स्कीम के बारे में एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, वो था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा क्यों था, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम साथ में ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इतने सख्त क्यों है और इस मामले में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये 16 फरवरी का आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये कंप्लीट तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है और आर्बिट्ररी है। ऐसा क्यों कहा गया था, तो इसके पीछे का वजह था कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो फंड करेंगे तो जो हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रहते हैं, हम भरोसा करते हैं ट्रांसपेरेंसी में। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने, यानी कि 2018 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ था कि अगर कोई भी कंपनी, सपोज दैट कंपनी ए अगर पॉलिटिकल पार्टी बी को अगर 100 करोड़ का फंड देते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी बी को किसने 100 करोड़ का फंड दिया ये कभी भी आम जनता को नहीं मालूम पड़ता। यानी कि अगर आप और हम कितना कमाते हैं, यानी कि जो एक कॉमन इंडिविजुअल इस देश में है वो कितना कमाता है, उसे सारा अमाउंट सरकार को डिस्क्लोज करना होता है। अगर वो किसी भी तरीके से अगर अपने कमाए हुए पैसे को सरकार को डिस्क्लोज नहीं करता है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स चोरी या और भी अलग अलग टाइप के मुकदमे लगाते हैं, जो कि हमें समझ में आता है। लेकिन वहीं पे अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई फंड कर रहा है और इतने बड़े बड़े पैसे जब फंड किए जा रहे हैं इतने ह्यूज अमाउंट में, तो सरकार ये उम्मीद करते हैं कि कॉमन जनता को ये ना कभी मालूम पड़े कि उनके पास 1000 करोड़ या 2000 करोड़ कौन दिया, कैसे दिया। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 232 पेज के अपने जजमेंट में ये कहा कि ये स्कीम कंप्लीट तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगर आप इस वर्डिक्ट को पढ़ना चाहें तो उनके वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल तरीके से वहां पे इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है। इस फैसले को सुनाने के लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर थे, उनके साथ 4 जजेस और थे, यानी कि एक बेंच जिसमें कि 5 जजेस थे वो मिलके इस फैसले को सुनाते हैं। और काफी स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पे वायलेटिव या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इसके जैसा ही कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो भारत के हो चाहे किसी और देश में हो, सब यही क्लेम करते हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ब्लैक मनी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन कहने की बात नहीं है कि जब वही पॉलिटिकल पार्टीज जब सत्ता में आते हैं तो वो नियम के साथ छेड़छाड़ करते हैं और सारे नियम को कोशिश करते हैं अपने फेवर में बनाने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी कुछ वैसा ही एक स्कीम था, जहां पे सेंटर ये चाहता था कि इस स्कीम के थ्रू वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इश्यू करने का जो अथॉरिटी था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ लिमिटेड ब्रांचेस को दिया गया था। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि अब ये स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्क्रैप कर दिया, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह कहा गया था कि अप्रैल 12 2019 से 15 फरवरी 2024, यानी कि जिस दिन तक ये स्कीम एक्टिव था, तब तक के बारे में जो डेटा है वो शेयर किया जाए। कहने का मतलब है कि किस पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को कितने बॉन्ड्स इशू किए गए थे और कौन उसका डोनर था, इन सभी का जो डेटा है वो शेयर करने की बात की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह भी कहा गया था कि वो मार्च 13 तक अपने वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में रखें, ताकि आम जनता को ये मालूम पड़े कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया गया था और चंदा देने वाला कौन था। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रवैया था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सारे इन्फॉर्मेशन को वो पब्लिक डोमेन में लाने से बचना चाहता है। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये कहा था कि उनको जून 30 तक का वक्त चाहिए, ताकि वो जो प्रोसेस है उसको वो कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो डेटा
हैंडओवर कर दें, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने सहूलियत अनुसार उस इन्फॉर्मेशन को अपने वेबसाइट पे वो पब्लिश कर दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस बिहेवियर को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी खफा होते हैं और कहते हैं कि आपको पर्याप्त वक्त दिया गया था जहां पे आप डेटा को कंपाइल करके आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ शेयर कर सकते थे। अब ये जून 30 का डेट क्यों मांगा गया था भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ मई में चुनाव होने वाले हैं भारत में लोकसभा का, तो हर चीज का जो इम्पोर्टेंस होता है वो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम तक ही होता है। तो अगर चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप डेटा रिलीज करोगे तो शायद उस डेटा का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो जो इंटेंशन है उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में लाने का, वो इंटेंशन इफ इट डिफीट हो जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काफी सख्त आदेश दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आपको डेटा को रिलीज करना है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये कहते हैं कि आपको 26 दिन का टाइम दिया गया था जहां पे आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। और भी काफी आर्गुमेंट्स हुए थे, लेकिन इन अ वे अगर आप लमसम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट काफी खफा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो आप गलत नहीं होंगे। और 12 मार्च यानी कि जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम में लगभग 7:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आता है जहां पे ये कहा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी इन्फॉर्मेशन था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके उसको शेयर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, और अगर जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है फिर तो सही है, और अगर नहीं तो इसके बारे में और अपडेट हमारे पास आएंगे। लेकिन इन अ वे अगर आप इस स्कीम को अगर आप बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का जो सरकार का इंटेंशन था वो सही नहीं था, और इन अ वे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो काफी अच्छा एक फैसला है, और ये बेहद जरूरी है भारत में और हमारे लिए भी कि जितना ट्रांसपेरेंसी हो गवर्नेंस में उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा हमें अपनी सरकार पे भरोसा आएगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।